जिन्होंने पाठ शुभारंभ करा के इसकी कथा को श्रवण किया है और संपूर्ण रूप से आज इसका फल हम इस दिव्यांग आत्मा को प्रदान करेंगे। भगवान कहते हैं कि जो पुत्र इस परम दुर्लभ पुराण को सुनता है और उसके वचनों के अनुसार जो कर्म को कर्तव्य को करता है वही पुत्र कहलाता है। माँ बाप ने सदा ही अपने पुत्र का लालन पालन करते हुए अपने पीठ पर गोद में झुलाया है। जो पुत्र अपने पिता को कांधे पर रखकर के शमशान भूमि तक ले जाता है उस पुत्र को मैं हर पर्व पर यक्ष में यज्ञ के फल का चलने का फल प्रदान करता हूं। भगवान राम को यह अवसर दास इत्यादि कर्मों का नहीं प्राप्त हुआ। भगवान रामचंद्र ने अपने पिता की मुक्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया तो भगवान कहते हैं जो पुत्र अपने पिता को शमशान में अपने कांधे पर रखकर के ले जाता है उस पुत्र को मैं हर पग चलने पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्रदान करता हूँ। तो ऐसा श्री योगेश महाजन जी ने सभी भक्तों को किया है। भगवान श्री गौर देव जी का संपूर्ण रूप से पाठ श्रवण किया है और सभी कृतों को किया है। आइए भगवान श्री गरुड़ देव जी का जो है पाठ क्रम से आज संतान का संकल्प करते हुए समस्त फल प्रदान करें। Thank you.
इन्होंने पाठ शुभारंभ करा के इसकी कथा को श्रवण किया है और संपूर्ण रूप से आज इसका फल हम इस दिव्यांग आत्मा को प्रदान करेंगे। भगवान कहते हैं कि जो पुत्र इस परम दुर्लभ पुराण को सुनता है और उसके वचनों के अनुसार जो कर्म को कर्तव्य को करता है वही पुत्र कहलाता है। माँ बाप ने सदा ही अपने पुत्र का लालन पालन करते हुए अपने पीठ पर गोद में झुलाया है। जो पुत्र अपने पिता को कांधे पर रखकर के शमशान भूमि तक ले जाता है उस पुत्र को मैं हर पर्व पर यक्ष में यज्ञ के फल का चलने का फल प्रदान करता हूं। भगवान राम को यह अवसर दास संस्कार इत्यादि कर्मों का नहीं प्राप्त हुआ। भगवान रामचंद्र ने अपने पिता की मुक्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया तो भगवान कहते हैं जो पुत्र अपने पिता को शमशान में अपने कांधे पर रखकर के ले जाता है उस पुत्र को मैं हर पग चलने पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्रदान करता हूँ। तो ऐसा श्री योगेश महाजन जी ने सभी भक्तों को किया है। भगवान श्री गरुड़ देव जी का संपूर्ण रूप से पाठ श्रवण किया है और सभी कृतों को किया है। आइए भगवान श्री गरुड़ देव जी का जो है पाठ क्रम से आज संपान का संकल्प करते हुए समस्त फल प्रदान करते हैं।
परिवार की तरफ से कुछ धनराशि निकाली गई है, मैं उनके नाम पढ़ देता हूँ। उनका कोई प्रतिनिधि यहाँ हो कि ऑनलाइन कर सकता है। दातन धर्म मंदिर जलंधर विश्वकर्मा मंदिर गोवा जिंदी दिया नगर बाबा साहब दयाल जी दयालपुर गुरुद्वारा श्री सिंह सभा जलंधर रविनगर थोड़ा थोड़ा